तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह अच्छे ही होंगे। तो फाइनली गाइस, बॉक्स विद्रा का एक न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में मीडिया टेक वालों के लिए गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर मीडिया टेक वालों के लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीज की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड जो कॉन्फ़िगरेशन ऐप था वो बॉक्स विद्रा में ऐड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है और गेम वगैरह भी हम टेस्ट करने वाले हैं लो एंड मीडिया टेक डिवाइस में, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बॉक्स विद्रा को ओपन कर लिया है। अगर आपने सेटअप किया है तो ओपन कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो देखो और सेटअप कर लो बॉक्स विद्रा को। तो यहाँ पर सेटिंग बॉक्स विद्रा को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग बॉक्स विद्रा को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको अपडेट बॉक्स विद्रा एमुलेटर देखने को मिलेगा 10 नंबर पर, ठीक है। तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट अपडेट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर लिया है एंड यहाँ पर हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा एमुलेटर ओपन हो चुका है, ठीक है, अपडेट हो गया है। ओके गाइस, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐप ये रहा, ठीक है। तो इसको करते हैं ओपन। तो आप सोच रहे होगे कि एंड्रॉइड का क्यों नहीं है, तो एंड्रॉइड का ऐप आने वाला है गाइस, ठीक है। तो वेट कर लो, ये है कॉन्फ़िगरेशन ऐप जो कि आप यहाँ पर अपनी गेम की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं अपने डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। तो पहले यहाँ पर VRGL सपोर्ट नहीं था, मतलब कि मीडिया टेक के लिए सपोर्ट सेटिंग नहीं थे। तो अब यहाँ पर मीडिया टेक सपोर्ट हो चुका है, आप चाहो तो अब मीडिया टेक डिवाइस में गेम प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइस थीम्स आपको कई सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक थीम्स देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में 4 थीम्स काम कर रहे हैं, 2 विंडो 11 के, 1 विंडो 10 का और 1 विंडो 7 का, ठीक है। तो 4 थीम्स काम कर रहे हैं और बाकी के जो ये थीम्स से नीचे वाले वो 10 जून को यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। ओके, ऊपर के जो 4 थीम्स है उसको छोड़कर बाकी जो थीम्स को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये 10 जून को ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे आप, ठीक है। तो 10 जून को थीम्स का अपडेट आने वाला है एंड यहाँ पर हम विंडो 7 का रख देते हैं। फिर आगे यहाँ पर वाइन वर्जन, ठीक है। तो वाइन वर्जन कई सारे देखने के लिए मिल जाएगी, ये आपको 15 जून को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर DXVK वर्जन, ठीक है। तो DXVK वर्ज़न कई सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का चिपसेट है आपके फ़ोन में तो ये DXVK वर्ज़न को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मीडिया टेक का है तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर D3D वर्ज़न देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जो कि आपको ऊपर का जो D3D वर्ज़न है तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हम चूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने। एंड फिर ड्राइवर की बात करते हैं तो ट्रेनिप ड्राइवर, स्नैपड्रैगन वालों के लिए ट्रेनिप ड्राइवर आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो यहां पर टेस्ट करने वाले हैं मीडिया टेक में, तो यहां पर हम VRGL के ड्राइवर को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये रहा, तो ये वाला ड्राइवर हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। ओके गाइस, तो जितने भी इम्पोर्टेंट सेटिंग थे वो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से बाकी जो सेटिंग यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, तो एक बार आपको ये एमुलेटर को एग्ज़िट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम एग्ज़िट कर लेते हैं एमुलेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं एक बार स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर डन कर देंगे, तो यहाँ पर डन टाइप कर देंगे और एक बार एग्ज़िट कर लेंगे और फिर से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, इस एमुलेटर को। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही हमने थीम सिलेक्ट किया था, यहाँ पर विंडो 7 का थीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए इसमें गेम वगैरह हम प्ले करके देखते हैं क्या इसमें चल पाते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने वाइन एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया है, यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में चला गया। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर इनपुट ब्रिज को हम कर लेते हैं ओपन एंड फिर यहाँ पर हम गेम वगैरह ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेम ओपन करता हूँ। ओके, वैसे यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है एंड गेम बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है गाइस। अगर आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो गाइस, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ गाइस आपको ऐसे की नई वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय गाइस।